कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सिमरनिया गुरु कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सिमरनिया। ये बाणी स्वामी जी महाराज दिए। हजूर स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि जद जद भी महापुरख आए है वो सानू भजन सिमरन वास्ते ही दसते हैं। जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख है वो सानू कोई होर तरीका नहीं दसते। यही कहते हैं भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे, जो तू अगे कर्म करदा है वो छड़ दे और भजन कर सिमरन कर। जिहड़ा तैनू मुरशद ने दसिया है वो सिमरन कर। मेषा वास्ते संत जदों भी आए है वो जोर ला के गया थे, पुकार पुकार के गुरु साहब जी फरमा रहे। हर एक बंदे नु क्या, हर एक मज़हब नु क्या, उन्हां दा कोई मज़हब नहीं, कोई उन्हां दा जात पात नहीं फकीरां दी होंदी। उन्हां दे पास जिहड़ा कोई आ जावे वो फायदा लै जांदा। कई बार तुसीं देखिया पढ़िया भी सुनिया भी है कबीर साहब दे पास राजे महाराजे आए, नवाब मुसलमान आए जिन्होंने नाम लिया और बंदगी की। श्री गुरु रविदास महाराज दे पास भी राजे महाराजे आए। फकीर जद भी आउंदे है उदी उन्हां दी कोई को मज़हब नहीं होंदी, उन्हां दे पास जिहड़ा आउंदा है वह फायदा ले लैंदा है। इस वास्ते श्री गुरु रविदास महाराज ने बाणी च फरमाया है मेरा शहर जेड़ा है वो बेगमपुरा है। बेगम फिर उन्हें फरमाया है मेरा दोस्त कौन है जेड़ा मेरे शहर का शहरी है, जेड़ा मेरे शहर च बसिंदा है, शहर विच रहन वाला है, वो मेरा दोस्त है। चाहे कोई भी हैगा इत्थे हिंदू है जां मुसलमान है लेकिन उत्थे कोई याद किसे दी नहीं, कोई किसे दा मज़हब नहीं, उत्थे सिर्फ रूहां ने। हाँ जी, सतगुर कहे पुकार पुकार समझ मन कर लो सिमरनिया स्वासो स्वास कटे तेरी पूंजी चली जाए ये उमरनिया। देखो कितने प्यार दे नाल गुरु साहब जी सानू समझा रहे ने, ऐ मूर्ख एक एक श्वास तेरा जिहड़ा शरीर विचों जा रहा है तेरी उम्र घट रही है, तेरी उम्र बढ़ नहीं रही। असी जो कहने ना कि किन्ने सालां दा होया, 20 सालां दा हो गया, 30 दा हो गया, 40 दा हो गया, असी ये नहीं समझते कि उहदे विचों ये घट गए। जिहड़ी साडी उम्र है उहदे विचों इन्ने साल घट चुके है, ये बधे नहीं घटे है। गुरु साहब जी सानू कितने प्यार दे नाल समझा रहे कि श्वासो श्वास एक एक श्वास करके तेरा तेरी उम्र घट रही है, तू जल्दी जो मुरशद दसदा है सिमरन कर। सिमरन दे नाल साडे मन दे उत्ते कुछ दबाव पैंदा है, साडे अंदर कोई विचार आउंदी है, सिमरन दे नाल ही आउंदी है, इस तरह नहीं आ सकती। हाँ जी, स्वासो स्वास कटे तेरी पूंजी
चली जाए ये उमरनिया, वक्त मिला ये तख्त नशीनी, छोड़ बान अब कुरबिनिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ मूर्ख तैनू ये वक्त मिलया, ये बहुत अच्छा वक्त तैनू मिलया, इहो जिहा वक्त मुड़ के मिलना नहीं। सानू जो मनुष्य जन्म का समा मिलया है, ये समा सानू मुड़ के नहीं मिलना। गुरु साहब जी फरमा रहे कि सिमरन कर, श्वास श्वास तेरा दुनिया दे शरीर चो कट रहा है। महाराज नौवीं पातशाही गुरु साहब ने फरमाया है, चेतना ऐ तो चेत ले निस दिन प्राणी, दिन दिन औद बेहाद है ज्यों फुटे घट पानी। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जल्दी तो जल्दी तू उस मालक का सिमरन कर ले, तेरी उम्र जड़ी है इस तरह जा रही है जिस तरह किसी घड़े च पानी पाया होंदा है उसनों फुट होंदा है, आस्ते 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 पानी उहदे चों निकल जाता, पता भी नहीं लगता किधर गया है और घड़ा खाली हो जाता। इस तरह साढ़े विचों भी जिहड़े श्वास परमात्मा ने सानू दिते है वो साढ़े श्वास हौली हौली निकल जाते हैं, साडा शरीर खोखा रह जाता, इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कीमत उन्हां श्वासां दे नाल है, उहदे बिना इहदी कोई कीमत नहीं। इहनूं देख के बंदा डर जाता, पशु फिर भी पशु दे कोलों दी लंघो कोई डर नहीं आउंदा, बंदा मरिया होए बंदे दे कोलों दी लंघो डर आउंदा। कल्ला बंदा अंदर नहीं रह सकदा, पिछले जमाने च हुण भी इस तरह ही है, जिस दे घर भी ऐसी कोई गलबात हो जाती आंढ गुआंढी बैठ के उहदे घर विच ते उहदा वक्त लगाउंदे। इस वास्ते पशु की भी तारीफ की है संतां ने, पशु मरे दस काज सवारे, नर मरे किसे काज ना आवे। पशु मरदा है कई काज, उहदे हड्ड भी आउंदे है चमड़ा भी आउंदा है, साडा की काम आउंदा है? साडा ते कुछ भी नहीं आउंदा, साडा इको ही काम है जे असी सिमरन कर लईए इस उम्र दे विच इस जन्म दे विच तो फिर साडी कीमत पै सकदी है। अगर जे असी ना करिए सिमरन मालक दा, ना उस पासे ध्यान देईए, खोटे कामां नूं छड्डीए ना, फिर साडी कोई कीमत नहीं, साडी कोई कीमत नहीं फिर पैंदी। फिर जैसे दुनिया के पशु आए, परिंदे आए, कुत्ते बिल्ले आए, खा पी के चला गए, इस तरह ये भी चला गया। इहदी कीमत सिमर नाल, उस ईश्वर की भगती नाल। पिछले इतिहास तुसीं पढ़ो, जो भी ऋषि मुनि होए है, संत महात्मा होए है, तीर्थ बने आज तक हजारां साल चाहे हो गए है, जिथे भी वो बैठे है उत्थे तीर्थ बन गए। आज भी लोग उन्हां दा विश्वास रखते हैं, उन्हां तीर्थां दे जाके चाहे होवे कुछ या ना होवे, लेकिन जाण वाले दा विश्वास है। तीर्थां दे इशनान करते हैं, कई हज करन वास्ते जाते हैं, कई कुछ करन वास्ते जाते हैं, लेकिन उन्हां कमाई कीती है, वो मेहनत जिहड़ी कीती है वो चलती रहती है। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि एक एक श्वास करके तेरा तेरे शरीर चों जा रहा है, एक घट रहा है, तू जल्दी तो जल्दी ये समा जिहड़ा तैनू मिलिया है, इस तों बाद तैनू ये समा नहीं मिलना, मनुष्य जन्म नहीं मिलना, तू इस मनुष्य जन्म का फायदा ले लै। हाँ जी, वक्त मिला ये तख्त नशीनी,
छोड़ बान अब कोर बिनिया ये मार्ग अब गुरु बतावे पकड़ गहो तुम और तुनिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है ये जेड़ा मार्ग तैनू दस रहे है संतमा पुरख जिन्हें दिन रात मेहनत की है वो तेरे अंदर धुन आ रही है। स्वामी जी महाराज उसनू धुन कहिंदे है और बाणी विच नाम शब्द मुसलमान उसनू बांगे शमानी कहिंदे है। चीज़ इको ही है। गुरु साहब जी फरमा रहे है कि वह पगड़ तेरे अंदर धुन जिहड़ी आ रही है उसनू पकड़ उहदे नाल अपना कनशकन जोड़ दे। वह सचखंड देश चों आ रही है सचखंड देश चे जा रही है। एक दिन तू भी अपने देश चला जाएगा। साडा मन जिहड़ा है ये और किसी तरीके नाल वस नहीं आ सकता। स्वामी जी महाराज फरमाया कोट जतन से जे नहीं माने तुण सुन कर मन समझ आई। वो तुण जिहड़ी साडे अंदर शब्द आ रहा है वो सुन के ही साडा मन जिहड़ा कुछ समझदा है नहीं तो होर किसी तरीके नाल नहीं समझ सकता। उहदे विच बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है उहदे विच। गुरु साहब जी फरमाउंदे आ मन की हालत दसदे आ ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पर। जद इहदा ध्यान उधर होएगा इस नूं पारे की तरह लगेगा इहदा नसना भजना जिहड़ा मुक जाएगा। ये पारे की तरह जुड़ जाएगा जिस तरह पारा किसी बंदे नूं दे दिओ उहदे हाथ पैर जुड़ जाते हैं। इस तरह ये मन भी जिहड़ा ये स्थिर रहिंदा है एक थां बैठ जाता है इहदा नसना भजना मुक जाता है। हाँ जी ये मार्ग अब गुरु बतावे पकड़ गहो तुम उर तुनिया शब्द संग तुम सुरत लगाओ रहो नित गुर गुजरनिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है तू शब्द दे नाल अपनी सुरती नू लगा दे और अपने सतगुर दे नाल गुजारा कर उना दी आग्या दे विच रहो उना दे हुकम दे विच चल। वो जो कुछ भी तैनू दसनगे वो नेक पाक सलाह देंगे तेरी मदद करेंगे। देखो स्वामी जी महाराज सानू किस तरीके नाल समझा रहे। हाँ जी शब्द संग तुम सुरत लगाओ रहो नित गुर गुजरनिया दया ले ओ तुम हर दम उनकी शरण परो उन चरननिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि उना दी तुसी दया लाओ और उना दे चरना दे विच रहो। हर वक्त तेरा ध्यान जड़ा उना दे चरना विच रहना चाहिदा। कई बार अगे भी दसिया कि साईं बुले शाह नूं बेशक 12 साल का करैफू लगा होया सी कि मुर्शद दे पाश नहीं जा सकदा तू लेकिन उसका ध्यान जिहड़ा सी वह मुर्शद दे चरणा विच रहिंदा सी। यही सोचता रहिंदा सी कि जे रात पैनी तो रात वेले सोचना कि शायद हुण इहनां दा प्रोग्राम बन जाए जान दा इन दा नंबर आ जाए। दिन चढ़ना दिन दा ध्यान रखना। 12 साल उन्होंने
बिल्कुल अपना ध्यान जिहड़ा सी मुरशद दे चरणा विच रखिया। तद वो बख्शिया गया, फिर उसनू ओही चीज़ जिहड़ी उहदे पासों गुआची सी ओही उहनू मिल गई। जो शब्द उहदे अंदर बंद होया सी, इसनू मुसलमान बांगे शमानी कहिंदे आ, वो शब्द बंद होया सी। बंद किस तरह होंदा है? जदों साडे विच गलत कर्म आ जांदे आ, गलत काम असीं करदे हाँ तो साडे अंदर बदल छाए जांदे आ कर्मां दे। कदे सूरज नूं तुसीं देखो, सूरज दे अगे जदों बदल आ जांदा है इहदी रोशनी बंद हो जांदी है। साडे कर्म भी जद अगे आ जांदे आ तो साडे भी रोशनी बंद हो जांदी है। हजूर कई बार फरमाते होंगे ही कि किसी गैश के उत्ते तुसीं 10-20 तप्पड़ पा दिओ, तुहानू पता नहीं लगेगा कि इहदे अंदर रोशनी है, लेकिन रोशनी है ही। रोशनी बुझी नहीं, रोशनियां है, लेकिन उत्ते कर्म तप्पड़ पै गए। जदों तुसीं आस्ते आस्ते उन्हां तप्पड़ां नूं लाना शुरू कर दिओ तो एक दो तप्पड़ रहन नाल भी उहदियां किरणां बाहर आ जांदियां। जदों सारे ला दोगे वो रोशनी बाहर आ जाएगी। साढ़े अंदर वो रोशनी है, साढ़े अंदर वो शब्द है, जो संत दसदे है वो साढ़े अंदर है, उन्होंने देखिया तो तद ही दसदे है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे आ ना, माया धारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रौल कचोला। असी जीव जिहड़े अन्ने ते बौरे हो गए, अखां तों अन्ने हो गए, कन्नां तों बोले हो गए, कन्नां दे नाल असी शब्द नहीं सुनिया, वह शब्द साडे अंदर आ रहे हैं। अखां नाल असी वह रोशनी नहीं देखी जिहड़ी साडे अंदर बेसाब रोशनी है, करोड़ां सूरजां दी रोशनी साडे अंदर बाणी दस रही है। कई बार अगे भी दस्या है कि एक पातशाह दी राणी एक फकीर दे पास जांदी सी रात दे समय सत्संग सुनने वास्ते, लेकिन पता किसे नूं नहीं सी, पातशाह नूं भी पता नहीं सी, चोरी जांदी सी। एक दिन जिहड़ा निंदक सी, निंदक विच्चों निकल पैंदे होंदे है, फकीर उस राणी दा आदर मान करदे सी बैण खड़ोण दा, एक उहदा विश्वास बड़ा, एक राणी। निंदक ने सोचिया कोई ऐसा समा मिले पातशाह दे नाल निंदिया करिए, इहदी ते इहनूं मरवा देईए। एक दिन ऐसा होया कि वह फकीर छोटे छोटे खड़ौने बना रहा सी, मकान जे निके निके, राणी ने 500 रुपया दे के लै लिया। निंदक ने सोचा कि हुण मेरा दा लग जाएगा, हुण मैं पातशाह दे जाके शिकायत करनी। निंदक चला गया, रुका लिख के भेज दिता अंदर। जब समा आया पातशाह ने बुला लिया, सुना भाई की तकलीफ तैनू? बिचों डरे भी कि हो सकता कि मेरे ते उल्टी ना पै जाए। कहन लगा जी तुसी पहला मैनू बख्शो, मेरी जान बख्शो, फिर मैं तुहानू दसदा। पातशाह ने कहा सी तैनू कुछ नहीं कहन दे, तू दस। कहिंदा जी तुहाडी राणी एक फकीर दे पास जांदी है रात दे समय, तुहानू पता है? तो पातशाह नूं पता ही नहीं सी। पातशाह दी पैरां दी मिट्टी निकल गई, किस वक्त जांदी है? एक टके दा मकान जी खड़ौना जिहा जिहदा 500 रुपया दे के राणी लै आई। पर चलो पातशाह दे घर कोई पैसों का घाटा नहीं हुंदा, जिहड़ी तुहाडी इज्जत प्राण हुंदी है मैं वह देख के सह नहीं सकदा। बड़े ढंग नाल निंदिया की,
पातशाह नूं गुस्सा चढ़ गया, पातशाह दे कन्न बैरी होंदे है, गुस्सा चढ़ गया कि राणी नूं मार के रोटी खानी, पौड़ियां चढ़ रहा सी। जदों बंदा गुस्से च होवे तो उस वक्त उहदा रंग तब्दील होया होंदा। उत्तों राणी ने देखिया कि अज किसी निंदक ने निंदिया कीती है, पातशाह दी तबा ठीक नहीं है। उस वेले राणी ने अपने मुरशद नूं याद किया, बाणी च भी लिखिया है, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन माण। उस वक्त गुरु का ध्यान धरिया, उन्होंने दसे हुए शब्द जड़े रटे, तो यही फरियाद की कि महाराज अज मेरी इज्जत तुसी रखनी। जदों उपर चला गया पातशाह, कमरे में मंजा डठा सी, मंजे ते बह गया, गुस्से नाल थकिया पिया सी, लम्मा पै गया, नींद आ गई। राणी ने लत्तां सीधियां करके उत्ते कपड़ा पा दिता। मुरशद ने ज्यों उस दे रूह नूं खिंचिया, उपरले मंडलां विच लै गए। हुण उपर जाके देखता है कि बहुत खूबसूरत देश है, बहुत रोशनी है, बड़ी बड़ियां आला बिल्डिंगां पईयां ने। वो देखता देखता एक बिल्डिंग ते राणी दा नां लिखेदा सी, राणी दा नां लिखेदा सी, सोचदा ये बिल्डिंग राणी दी है, मैं राणी नूं भैड़ा समझ रहा, ते दरगाह विच राणी दी बिल्डिंग बनी है, मकान बने, मेरा कुछ भी नहीं हैगा। अगे होके देखण लगा, पहरेदार ने कहा कि तू अगे नहीं जा सकदा। कहन लगा क्यों नहीं जा सकदा, मेरी राणी दा मकान है। कहिंदे राणी उत्थे ही है, मात लोक दे विच, इत्थे नहीं, इत्थे जिन कीता उहदा है, इत्थे राणी राजा कोई नहीं हैगा। जबरदस्ती अंदर लंघन लगा, धक्का मारिया, अख खुल गई, अख खुल गई, सोची पै गया, एक ही बनया, मेरा तो उत्थे है ही कुछ नहीं, मेरे शरीफ अली बनया। मैं बड़े सहब सुभा दे नाल आवाज़ मारदा है राणी। राणी ने सोचा कि हुण कुछ मेरे मुरशद ने इहनूं दस्या लभदा, इहदा पारा ठंडा होया। महाराज हुक्म करो, राणी अपने मुरशद दे पास मैनूं लै चल। राणी डरी नहीं, राणी कहन लगी जी मैं रोज़ जानी हाँ, तो अज भी जाना, पर हुण मेरा मुरशद भजन बैठा है, अजे टाइम नहीं होया, जदों उसने उठना फिर मैं जाना। राणी तू मैनूं जल्दी लै चल, मेरा दिल खिंच के लै गया तेरा मुरशद। राणी 10 मिनट पहला लै गई, बाहर बैठे रहे, जद मुरशद उठिया, सत्संग कीता, प्रसाद वंडिया, 500 रुपया पातशाह ने जेब चों कढ़िया ते अगे भेड़ा कर दिता, जी एक मकान मैनू भी दिओ। मुरशद ने कहा भाई 500 का मकान तो नहीं मिलता। कहिंदे जी परसों राणी ने लेता हैगा। जी राणी ने कोई देखिया थोड़ा सी, तू तो देख के आया, वो 500 थोड़ा है, 500 का नहीं मिलता, 7 पातशाहियां मुल है उहदा। कहिंदा जी पातशाहियां का उत्थे कोई मुल नहीं है। राणी ने सोचा कि मुरशद ने कोई दस्या है, महाराज इहनू नाम दान दिओ, बख्शो, दया करो, आपे मकान लब जाएगा। भाई वो दरगाह सच दी है, इत्थे असी साड़ियां सिफारशां चल सकदियां ने, इत्थे बड़े छोटे दा ध्यान है, लेकिन उत्थे नहीं है। वो दरगाह जिहड़ी है वो सच दी दरगाह है, उत्थे जिहड़ा जीव सच्चा होएगा, कोई भी होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, ईसरी होवे, पुरश होवे, जो नेक पाक काम करदा है, अच्छे काम करदा है,
जो मालक दी बंदगी करता है उस देश जा सकता है, चाहे कोई भी है। उहदे वास्ते कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं। भजन करन वाले वास्ते हमेशा यही दरवाजे खुले है, वो किसे वक्त भी जा सकता है। हुण गुरु साहब जी एक एक तुक दे विच सानू समझा रहे हैं कि तेरी उम्र जा रही है, एक एक श्वास करके तेरी उम्र जा रही है, तेरी उम्र वध नहीं रही, ये जा रही है। लेकिन तू सिमरन कर, उस मालक दा सिमरन कर, उस मालक दी तपस्या कर, भजन कर, जिस तरह मुरशद ने दसिया है इस तरह कर। देखी तेरी उम्र एवें जा रही है, की फायदा है उम्र का? मनुष्या जनों का फायदा की है अगर इसने नेक पाक काम नहीं किते? इसनों मनुष्या जन्म का कोई आधार नहीं मिलिया तो की फायदा होया मनुष्या जन्म जाने का? किस वास्ते आया, की काम किया इत्थे आके? जे असी नेक पाक काम नहीं करने, अच्छे नहीं करने, तो अच्छी जगह असी जाने, साड़ी 84 का चक्कर मुकना ही नहीं, तो फिर सानू मनुष्या जन्म दे विच आउण दा की फायदा सी? हाँ जी, दयालेओ तुम हर दम उनकी शरण पड़ो उन चरननिया। हर दम तुसी उना दी दया लो, दयावान ने वो दया कर दे है, लेकिन असी दया लेंदे नहीं। असी शरण छड़ के लांबा, जिस तरह हजूर फरमाते होंगे सी बेड़ी वाले नाल, दरिया विच जा के कोई रुस रहेगा तो छाल मार देगा, मैं तेरी बेड़ी च नहीं बहना, तो उसने मरना ही है, जींदा तो नहीं रह सकता। महापुरख जड़े है वो सानू बख्शते है, उन्हां नू साडा फिक्र है, असी बेमुख भी हो जाते हैं, असी उन्हां नू छड़ भी देंदे हैं, लेकिन वो सानू नहीं छड़दे। कई बार हजूर फरमाते होंगे कि गुरु नानक देव जी महाराज नाल मरदाना दे वाला सन, मरदाने ने गुरु साहब नू कहना कि तुहानू तो भुख लगती नहीं, जिथे कदे शहर आंदा उत्थे तुसी बहिंदे नहीं, जिथे जवाड़ आउंदी उत्थे तुसी डेरा ला लैंदे, साढ़े पासों नहीं रहन आउंदा। नाल मसाना एक बारी रुस के चला गया, रुस के एक शहर में चला गया। उस शहर दे विच कानून यह सी कि केस चाहे कोई भी बंदा करता है मोटा देख के फांसी दा देना, फांसी लगा देना। मर्दाना खा पी के मराशी तो ऐसी मोटा हो गया, कोई केस ऐसा बनया मर्दाने नू फड़ लिया, फड़ के लै गए फांसी दे तख्ते ते। पुछन लगे तू किसे नू मिलना है? उस वेले फिर गुरु चेते आया, महाराज मैं मेरे गुरु गुरुदेव ने मैं उन्होंने मिलना है। किथे ने? उन्हें दसिया कि फलानी जगह, उन्हें अपना नफर भेज दिता, गुरु साहब के पास चला गए। कहा जी मरदाना तुहाड़े दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है, किथे है? फांसी के तख्ते। गुरु साहब ने बाले नाल सलाह की, बालिया असी हुण मरदाने नू छड़ाउणा है, ते किसे तरीके नाल छड़ाउणा है, तू कमी कि मैं फांसी चढ़ना है, ते मैं कहांगा मैं चढ़ना, आपू विच असी जोर लगावांगे दोवें। ते पातशाह ने फिर पुछना सानू वी फांसी कोई मठियाई ते नहीं, फांसी ते मौत है, फिर मैं दस देंगा जो होएगा। जदों चला गए तो मरसाना आ गए, उत्थे अपने मरदाने नू तख्ते ते बिठाया। गुरु साहब ने कहा भई फांसी ते मैं चढ़ना है, ते बाला कहंदा नहीं जी मैं चढ़ना फांसी, वह कह नहीं मैं चढ़ना, वह कहे मैं चढ़ना। पातशाह ने पूछया
वो फांसी कोई मरियाई नहीं, फांसी ते मौत है, तुसी बड़े खुश हो रहे हो, ये गल की है? कहंदे पातशाह तैनू नहीं पता अज दे दिन जिन फांसी चढ़ना ना उन्हें बेहिश्ता नू जाना है, उन्हें बेहिश्ता नू जाना है। तो पातशाह कहंदा भी तुसी चाचे लगते हो फांसी दे, फांसी दे मेरी हैगी है तो मैं चढ़ जाना। उसने दसा गल च पाया तो पातशाह फांसी चढ़ गया तो मरदाने नू छड़ाया गुरु साहब ने तो वापस लाए। कई समय ऐसे भी आ जाते हैं कि मुरशद नू कोई ना कोई ढंग सोचना पैंदा जीव दे छड़ाण वास्ते। इस वास्ते गुरु साहब जी एक एक तुक दे विच सानू समझा रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी तू शरण लै, तू अपना फायदा लै, ये वक्त तैनू मिलना नहीं। हाँ जी, दया लेओ तुम हर दम उनकी, शरण पड़ो उन चरननिया, वै तो भेद बतावे काट का, पकड़ शब्द पौ तरननिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है वो तैनू अंदर दा भेद दसनगे, अगर तू उन्हां दी शरण विच रहेगा वो तेरे ते बहुत बड़ी दया करनगे, वो तैनू अंदर दा भेद दसनगे। भाई तू किते कराए जिहड़े जुलम ने वो तेरे बख्शे जाणगे, तू तर जाएगा, वो तेरे ते मेहर करनगे, लेकिन तू उन्हां दी शरण ना छड, उन्हां दी शरण ना छड, फिर तू बख्शा जाएगा। हाँ जी, वै तो भेद बतावे उन कहा, पकड़ शब्द पौतर ननिया, लाल लगन बहर नहीं सूझे, सुरत अजर मेजर ननिया। जिन्हां दी लगन लग जांदी है, लगन कहंदे आ प्यार नूं, दुनिया दे विच तुसी देखो बंदा बर्बाद हो जांदा जिहदी लगन किते भी लग जांदी है, भैड़े काम नूं लग जांदी है, वह छड़दा नहीं, बर्बाद हो जांदा, कख नहीं पल्ले रहिंदा, लेकिन उस लगन नूं छड़दा नहीं। इस तरह फकीरां दी लगन वो शब्द नाल लग जांदी, वो छड़दे नहीं, बेशक उन्हां नूं दुख सुख गरीबी मीरी आवे जो मर्जी होवे, लेकिन वो प्यार छड़दे नहीं, उस प्यार दे विच रहिंदे हैगे, हमेशा अपने मुर्शिद नाल प्यार करदे रहिंदे है। हाँ जी, लागी लगन बहर नहीं सूझे, सुरत अजर मेजर ननिया, जिन जिन संग करा गुर पूरे, छूटा जन्म और मर ननिया। गुरु साहब जी किसे दा नाम नहीं लै रहे, जिन जिन क्या, जिन जिन दे विच तमाम दुनिया आ सकती है, गरीब मीर आ सकते हैं, इसरी पुरश आ सकते हैं, जिन्हें भी संग किया है, जिन्हें वो शब्द ही गुरु साहब के कहन के मुताबिक शब्द की कमाई की है, उन्होंने जन्म और मरण छुट गया, वो 84 के चक्कर तो आजाद हो गए, अपने देश चले गए, अपने मालक नाल मिल गए। जे समुंदर की बूंद कतरा जे समुंदर चो आया, उस समुंदर च दाखिल हो गया। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे,
नाल नाल ही दस रहे हैं कि तैनू फायदा की मिलेगा अगर तू उन्हां दी शरण विच रहेगा, उन्हां दे कहने मुताबक चलेगा तो तैनू की फायदा मिलेगा। हुण गुरु साहब जी फायदा दस्या है कि तेरा जन्म और मरण जिहड़ा छुट जाएगा, तू अपने देश चला जाएगा, अपने मालक नाल मिल जाएगा। जिस तरह कल भी दस्या सी कि वारंवार दसना पैंदा है कि बाबे फरीद ने लिखा, आत्म को मत कहो खुदा, आत्म खुदा नहीं लेकिन आत्म खुदा दे नूर से जुदा भी नहीं। असी ये कह दें कि आत्मा और परमात्मा का कोई फर्क है, आत्मा परमात्मा का कोई फर्क नहीं है, जैसे प्यो पुत का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ विच इस तरह होंगे कि ख्यालात जुड़न का होंगे। सेवक स्वामी एक मत ये मत में मत मिल जाए, सेवक का और स्वामी का कोई फर्क नहीं रहता, लेकिन सिर्फ उन्होंने ख्यालात जड़े है एक होने चाहिए, जब एक हो जाते हैं तो कोई उन्होंने फर्क नहीं रहता। हाँ जी, जिन जिन संग करा गुर पूरे छूटा जन्म और मर ननिया। ये बारे जिहड़ी साड़ी एक रूह साढ़े तो बिछड़ गई है, ये बारे कल तुहानू दस देंगे सत्संग दे पहला पहला उन्हां दी कथा कहानी जो भी वो कह गए है, जिस बीबी नाल गल्लां कीतियां वो दस जाणगे, सारी कहानी दस देंगे। जो बाणी दे विच आया है वो घटिया है गुरमुखां ते, जिन्हां दा प्यार कीता जिन्हां ने उन्हां दे उत्ते वो घटिया हैगा। हाँ जी, जिन जिन संग करा गुर पूरे छूटा जन्म और मर ननिया। जगत यार तज सार समझ तू, मिटे चौरासी पर मनिया। स्वामी जी महाराज बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं, भाई जगत की दोस्ती नू तोड़ दे, ये तेरा मरण जमन का जड़ा परम मुक जाएगा। असी इत्थे जिस तरह ब्रिश दियां जड़ां होंदियां ने, इस तरह असी फसे हाँ, साड़ियां जड़ां जड़ियां मोह दियां छाइयां होईयां ने, चार चबखे साड़ियां जड़ां छाइयां ने, असी इत्थों जाना नहीं चाहुंदे, लेकिन जिन्हां ने जड़ां नूं कट दिता, जिस मोह नूं छड़ दिता खत्म कर लिया, वो अपने घर पहुँच जांदा, वो अपने देश चला जांदा है, जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं। हाँ जी, जगत यार तज सार समझ तू, मिटे चौरासी पर मनिया। ऐ इंसान तेरी चौरासी मुक जाएगी, तू चौरासी विच ना जाएगा। चौरासी एक बहुत बड़ी है, कई बार अगे भी दसिया कि 30 लाख किस्म के दरख्त ने, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े ने, 14 लाख किस्म के पंखी ने उड़न वाले, 9 लाख किस्म के जल के जीव ने। जल दे विच बहुत बड़े बड़े गुरु नानक देव जी वाला मरदाना जा रहे सन, एक टापू टप रहे सन समुंदर का। मरदाने ने पूछया, महाराज असी कादे ते जा रहे हैं? गुरु साहब ने कहा कि मछ है वो उत्तों की असी जा रहे हैं। महाराज एडा वड्डा मछ केडा है, लिखा है ये 5 को चौड़ा 35 को लंबा है, जिदे ते असी जा रहे हैं, ये क्यों मछ बनया जी?
गुरु साहब ने कहा कि ये सेवक सी संतां दा, जदों उन्हें कोई काम दसना इन्हें मच्छी वाला लेखा तड़फना काम करना नहीं, उन्होंने मुखों निकल गया वाक, तू मच्छी वांगर तड़फदा है, काम नहीं करता, इन्हें माशे दे जन्म चाहना पे। साधु बोले साहब सब आए साध का बोलिया व्यर्था ना जाए, पर साधु होवे तद साधु उसनों क्या जिसने मन की साधना की है, जिसने अपनी प्रकृतियां की साधना की है, वो बचन की गल आम नहीं। आम तो साधु बथेरे बने होंगे है, कोई कपड़िया का रंग बिरंगे पाले, कोई सिर मना लिया ज रगड़ लिया ज रख लिया ज कोई होर टसन बना लिया, वो बारे नहीं। जिसने साधु अपने मन की साधना की है, अपने मन दियां प्रकृतियां नूं वस कीता है, उस साधु की कहानी है। हाँ जी, जगत यार तज सार समझ तू, मिटे चौरासी पर मनिया, सत्संग करो प्रीत घट तारो, देख रूप चढ़ दर पनिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सत्संग करो और प्रीत मन कर, फिर तुसी घट दे विच चढ़ो, उपर चढ़ो, अपने रूप नू पछाणो कि तुसी की है। वो सानू अपने आप का कोई पता नहीं कि असी की हाँ तो की असी कर सकते हैं, ये संतां महापुरखां नू पता है कि की कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पावर परमात्मा ने भेजी है, ये सारे जितने भी पैदाइश है दुनिया दे विच इंसान उन्हां दा अवसर है, सारिआं दा अवसर है, इहनू सारी सूझबूझ है, हर एक जानकारी है, इसनों कोई इनू कमी नहीं। परमात्मा ने इनू हर तरह की सोच समझ दिती है, कोई कमी नहीं हैगी, लेकिन जे अपनी इस अथॉरिटी नू वरते ना तो की फायदा मनुष्य जन्म का। ये सोचे समझे ना कि मैं की हैगा की करना हैगा, तो गलत पशुआं वांगर तुरी फिरे, कुत्तियां बिल्लियां वांगर तुरी फिरे, उस तरह के कर्म करी जाए तो की इंसान इंसान का की फायदा लिया, इस मनुष्य जन्म का की फायदा लिया। हाँ जी, सत्संग करो प्रीत घट तारो, देख रूप चढ़ दर पनिया, गगन गिरा पर खो तुन बानी, यही कमाई कर ननिया। गुरु साहब जी फरमा रहे कि ऊपर आओ गगन च, एक कमाई करो, मेहनत करो। गुरु फरमाउंदे आ कि इस रूह का अपना रूप जेड़ा है, अपना प्रकाश जेड़ा 12 सूरज का हो जाता है, 12 सूरज की रोशनी इहदी अपनी हो जाती है उत्थे जाके। हाँ जी, गगन गिरा पर खो तुन बाणी, यही कमाई कर ननिया, पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। गुरु साहब जी सुरत नू कह रहा है प्यारी तू जा के पहुँच अपने देश, वो दरवाजे तेरे खुल जाणगे, वो ताले जड़े लगे आ खुल जाणगे। साढ़े अंदर बड़े सख्त ताले लगे है, बाणी च फरमाया गुरु साहब ने, बजर कपाड़ जड़ो जड़ जड़िया,
गुर शब्दी खलीजे हो, वो साढ़े अंदर जड़ा तख्ता जड़िया है, साड़ी रूह इदा नहीं जा सकती, उपरों टक्कर बजती फिर थले असी आ जाने। पर जेड़े गुरमुख दिन रात नाम की कमाई करते हैं उन्हां दे दरवाजे खुल जाते, वो उपरले देशां च चला जाते है। हाँ जी, पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। असी ये शरीर दे विच भी बजे है, ये भी एक सानू बंधन पिया है, ये शरीर दे विचों भी लंघना है। जिस तरह कई बार अगे भी दसिया कि कोई कथा होंदी सी किते ते कोई बंदा सुनने वास्ते जांदा सी, उसने घर एक तोता रखिया सी। कथा दे विच ये प्रसंग आया कि काल दा राम राम किया काल दा जेल खाना जेड़ा ये टुट जांदा है। उसने घर आके कहना गंगे रामा आख राम राम, राम राम किया काल दा जेल खाना टुट जांदा है। एक दिन गंगे राम ने वो बोलना जानदा सी तोता, अपने मालक नू कहा कि जिथे तुसी जांदे हो मैनू भी लै चलो। वो पिंजरा चुक के लै गया। जदों ये प्रसंग आया तोता बोलिया, पंडित जी मेरी गल सुनो, मेरे कोल आ जाओ, कि तुसी जो कुछ कह रहे हो ठीक है, मैं तो सारी उम्र राम राम करदिया होया, मेरिया पिंजरे दियां तारा नहीं टुटियां, तुसी काल दा जेल खाना दस रहे हो, खरे केड़ा करेगा। उन्हें कहा तेरा कोई मुरशद है? कहिंदे जी मुरशद मेरे ते बथेरे बन जांदे है, रस्ते विच साडा घर है, दरख्त नाल पिंजरा टंगिया हुंदा है, जेड़ा जांदा है गली दे विचों दी ओही मैनू कही जांदा गंगे रामा आख राम राम। अनेकां ही शाम तों लै के सवेर तों लै के शाम तक बन जांदे है। नहीं, एक मुरशद होना चाहिए। क्या तुसी बन जाओ फिर मैं मुरशद कित्थों लैन जाना। तोते नूं उन्हें सबक दे दिता, सलाह दे दिती कि जदों तेरा मालक तेनों घर लैके जाएगा तू बीमार हो जाई, बीमार हो जाई, मूँह चो पानी बगना शुरू हो जाए, पर ढिले छड़ दें, वो तेनों पिंजरे तो बाहर कढ़ देगा। जदों पिंजरे तू बाहर कढ़ देगा तू देखी जदों अगे पिछे होएगा तो उड़ के फिर भावें जिथे मर्जी दरख्तों पर बह जाई, बनेरे पर बह जाई। तोते ने सोचा सलाह तो बहुत वधिया है। जदों घर गया तो तोता बीमार हो गया। जदों बीमार हो गया, जिस तरह आम लोग जिमीदार घर कोई पशु बीमार होंदा उसका रस्सा खोल देंदे है कि कितने वधा ना मर जाए, उसने भी पिंजरे के विचों कढ़ दिता कि कितने पिंजरे च ना मर जाए, चूरी देवे पानी पिलावे वो पीवे ना, मुरशद मिल गया सी। जदों अपने अंदर गया तोते ने अख चरा के देखिया कि हुण मैं इहदे काबू नहीं आ सकता, तोता उड़ के बनेरे ते बह गया, कोठे दे बनेरे ते। वो मालक तोते दा आके इदां टणकाउंदा गंगे रामा आख राम राम सच है, कहिंदा बिल्कुल ठीक है, राम राम ते सच है, पर कुंजी गुरु दे हत्थ है, मैनू हुण कुंजी वाला गुरु मिलिया, हुण मैं तेरे पिंजरे च नहीं आ सकदा, हुण मैं तेरे पिंजरे च नहीं आ सकदा, मैनू कुंजी वाला महापुरख मिल गया। सो इस वास्ते बाणी जी भी गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जब सानू मुरशद कोई नाम दे व्यासी मिलता है, शब्द व्यासी मिल जाए तो सानू जुगती दे दे वे, असी उस जुगती ते चलण की कोशिश करिए तो जरूर एक दिन असी अपने देश जा सकते हैं, ये 84 दे चक्कर विचों निकल सकते हैं। ये भी एक बंधन है, साढ़े शरीर का भी बंधन है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं पहला बंधन देह का, दूजा तिरिया जान, तीजा बंधन पुत बचारो, चौथा नाती माण,
नाती के कर जब नाती होई फिर क्या कहूँ टिकाण, फिर कितने टिकाणा। कदी कित खुशी का स्नेहा आ रहा, कित गमी का साध स्नेहा आ रहा, फिर तो बंदा तुरै ही रहा। ये शरीर के बंधन बच्चे भी साड़ी आत्मा बजी पई हैगी। हाँ जी, पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया, या जग में कोई सुखी न देखे, गहो गुरु के बचनिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तू जगत विच देख कोई सुखी नज़र आउंदा है, तुसी गाओ सतगुर दे बचना दे विच ही सुख है। गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हुदार। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे आ, कोई मैं नवी गल नहीं दस रहा, जेडे संत पिछे दसदे है उही मैं दस रहा कि कोई सुखिया देख संसार विच नज़र आउंदा, जे सुख लैना तो फिर सतगुर के बचना विच सुख है, बचन कमा जो तैनू दसदे है फिर तैनू सुख मिल जाएगा। हाँ जी, या जग में कोई सुखी न देखो, गहो गुरु के बचनिया। दुख के जाल फसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसनिया। गुरु साहब जी सुरत नूं कह रहे है कि तमाम दुख दे जाल दे विच फसे है, तू होश कर, तू क्यों उन्हां दे संग फसदी है। तू सिमरन कर, उस मालक दा ध्यान धर, तू इस देश अपने 84 दे चक्कर चों निकल जा, इस फंद चो निकल जा, अपने देश चल। हाँ जी, दुख के जाल फसे सब मूरख, तू क्यों उन संग फसनिया। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी शरणनिया। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मैं तू नू छड़ दे आ मुर्शद दी शरण दे विच, साड़ी मैं तू जेड़ी है ये सानू खराब कर रही है, ये साड़े विचों जांदी नहीं और असी मालक दे चरणा च लगते ने। मैं तू नू छड़ दे, मोर तोर छड़ दे, ते जो मुर्शद दसदा सो कम कर। मुर्शद की दसदा भाई नेक पाक कम कर, अच्छे कम कर और ईश्वर की भगती कर। वो ईश्वर की भगती वास्ते दसदे है, वो कोई गलत नहीं दसदे। हाँ जी, मैं तू मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी शरणनिया।